नमस्ते बच्चों, अपना जो टॉपिक चल रहा है लाभों की गारंटी, उसमें हमने तीन प्रकार की गारंटी कल पढ़ी थी। आज पढ़ते हैं इसमें लास्ट गारंटी, चौथी, जो एक फर्म साझेदार को देती है और एक साझेदार है वो फर्म को देता है। यानी साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी, द्वारा फर्म को गारंटी तथा फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी। साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी तथा फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी। इसमें देखो कैसे करेंगे, दोनों गारंटियां एक साथ है। इसमें एक साझेदार है वो एक फर्म को गारंटी देता है, भी मैं आपको इतने रुपये कमा कर दूंगा, और एक फर्म है वो किसी एक साझेदार को गारंटी देती है कि आपको कम से कम इतना लाभ मिलेगा। तो दोनों गारंटियों में ऐसे दिक्कतें रहती है कि किस गारंटी को पूरा पहले करें। पहले आप साझेदार ने जो फर्म को गारंटी दी है उसे पूरा करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, साझेदार ने जो फर्म को गारंटी दी है उसे पूरा करोगे, उसके बाद फर्म ने जो साझेदार को गारंटी दी है उसे पूरा करोगे। कैसे, देखो मान लो किसी फर्म में ए, बी और सी तीन साझेदार हैं। जो लाभों को 3:2:1 में बांटते हैं, जो लाभों को 3:2:1 में बांटते हैं, ए ने फर्म को गारंटी दी, ए ने फर्म को गारंटी दी कि वह न्यूनतम 30,000 रुपये फर्म को कमा कर देगा। तो ए 30,000 वो ए द्वारा फर्म को दी गई गारंटी, ए द्वारा फर्म को दी गई गारंटी होगी, जबकि फर्म ने सी को यह गारंटी दी है कि उसे प्रतिवर्ष न्यूनतम 25,000 रुपये लाभ के मिलेंगे। तो ये फर्म द्वारा सी को दी गई गारंटी एक तो होगी, देखो 30,000 रुपये तो ए द्वारा फर्म को दी गई है कि वो 30,000 रुपये न्यूनतम है वो प्रतिवर्ष फर्म को कमा कर देगा, और ये 25,000 रुपये की गारंटी है वो दी है किसने, किसको, फर्म ने दी है सी को। अब पहले आप कौन सी गारंटी पूरी करोगे वो देखो। ए ने 30,000 की गारंटी दी है, यानी साझेदार द्वारा फर्म को दी गई गारंटी, ये साझेदार ने फर्म को गारंटी दी। दूसरी है फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी, ये 25,000 रुपये की जो गारंटी है वो फर्म ने सी को दी है यानी साझेदार को दी है। अब आपको क्वेश्चन करना कैसे, देखो देखो ए बी सी लाभों को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किसी वर्ष फर्म में 80,000 रुपये का लाभ हुआ, फर्म द्वारा कमाया गया लाभ, फर्म द्वारा कमाया गया लाभ जो कितना हो गया, फर्म द्वारा कमाया गया लाभ है वो 80,000 रुपये, जिसमें ए द्वारा कमाया गया लाभ है वो 20,000 रुपये है। ए द्वारा कमाया गया लाभ तो फर्म ने टोटल 80,000 कमाया, जिसमें ए ने लाभ कमाया है वो मान लेते हैं अपने 20,000 रुपये का लाभ कमाया है, जबकि ए ने गारंटी कितने की दी, 30,000 की, लेकिन उसने कुल लाभ है वो 20,000 कमाया। अब फर्म द्वारा कमाया गया लाभ 80,000 है, तो इसका मीनिंग हुआ कि ये 20,000 रुपये इसमें शामिल है, ये 20,000 रुपये क्या है, इसमें शामिल है। पहले क्या करोगे, जितनी कमी रहेगी
ए ने गारंटी है वो कितने की दी थी, 30,000 की। ए ने गारंटी है वो कितने की दी थी, 30,000 की, लेकिन ए ने कमाया कितना, 20,000। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो 10,000 रुपये ए ने कम कमाए वो उसके नाम लिखेंगे। तो ए के नाम लिखी गई राशि तो ए के कितने रुपए नाम लिखे जाएंगे, 30,000 उसने गारंटी दी थी, तो 30,000 में उसने कितने कमा दिए, 20,000। तो सबसे पहले 10,000 रुपये उसके नाम लिखेंगे। सबसे पहले क्या करोगे, 10,000 रुपये जो कम रहेंगे वो उसके नाम लिखेंगे। अब फर्म का कुल लाभ कितना माना जाएगा, इस 10,000 को इस 80,000 में पहले ऐड कर देंगे। 80,000 प्लस में 10,000, तो टोटल लाभ कितना माना जाएगा, 90,000 माना जाएगा। यानी ए ने गारंटी दी थी वो कितने की दी, 30,000 की, और ए ने कमाई कितने, 20,000। तो कितना कम रह गया, 10,000। तो पहला कार्य आपका है कि इस 10,000 को आप कुल लाभ में जोड़ोगे। तो फर्म ने जो टोटल लाभ कमाया 80,000 रुपये, उसमें 10,000 रुपये और जोड़ दिए, टोटल कितने आ गए, 90,000। ये ए ने जो फर्म को गारंटी दी है वो गारंटी पूरी होगी। उसके बाद देखो अब दूसरी गारंटी कौन सी है अपनी, दूसरी गारंटी है जो फर्म द्वारा साझेदार को यानी सी को दी गई है कि 25,000 रुपये कम से कम उसके हिस्से में आएंगे। अब अपने आगे इसको कैसे करेंगे, देखो पहले लाभों में सी का हिस्सा, लाभों में सी का हिस्सा, पहले क्या करोगे, जो फर्म के कुल लाभ है 90,000 रुपये, इस 90,000 में सी का हिस्सा निकालोगे। तो सी का हिस्सा है वो 1/6, सी का हिस्सा कितना होगा, 1/6। तो 90,000 का पहले करोगे आप 1/6 यानी कि 15,000 रुपये, 15,000 रुपये इसमें सी का हिस्सा हो गया। अब उसको गारंटी कितने की मिली, 25,000 रुपये की गारंटी दी गई है। अब 25,000 की गारंटी दी गई लेकिन उसे हिस्सा कितना मिला, हिस्सा तो उसके हिस्से में 15,000 आया। तो गारंटी का मतलब होता है कि कम से कम तो उसे 25,000 मिलेगा ही मिलेगा। तो पहला कार्य आपका ये है कि आप उसे ये 25,000 रुपये दो। तो सी को न्यूनतम लाभ मिलेगा, बराबर उसे गारंटी कितने की दी है, 25 की, तो न्यूनतम मिलेगा 25,000 रुपये। शिव को न्यूनतम लाभ है वो कितना मिलेगा, 25,000 रुपये, टोटल लाभ अपना माना गया 90,000 रुपये, और शिव की सी को न्यूनतम लाभ कितना मिला, 25,000 रुपये। अब क्या करोगे, जो शेष लाभ बच गया, तो शेष लाभ कितना बचा, देखो शेष लाभ, शेष लाभ बराबर 90,000 माइनस में 25,000। ये 90,000 में से क्या करेंगे, 25,000 को घटा देंगे जो हमने 90,000 में से सी को दे दिया है। अब 90,000 में से 25,000 गए, शेष कितने बचे, 65,000 शेष बचा, 65,000। तो शेष लाभ जो 65,000 बच गया ये किसके लिए बचा, ए और बी के लिए। तो ए का लाभ में हिस्सा, ए का लाभ में हिस्सा 65,000 और लाभ अनुपात वही, सी को तो अलग कर दो, शेष बचा 3:2, तो इसे 3/5 हो गया, ए का हिस्सा हो गया 65,000 का 3/5, 13,000 13 3 39,000। तो ए का लाभ में हिस्सा आ गया 39,000। बी का लाभों में हिस्सा,
65,000 का 2/5 ये आ गया 26,000। तो ए का लाभों में हिस्सा आ गया 39,000, बी का लाभों में हिस्सा आ गया 26,000 और सी का लाभों में हिस्सा 25,000, उसको मिल गया 25,000, टोटल आ गया अपना 90,000। ये हो गई साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी और फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी। एक बार फिर देखो कि किस कैसे पूरा करेंगे इसको। देखो कि ए बी सी लाभों को 3:2:1 में बांटते हैं। ए द्वारा फर्म को 30,000 रुपये की गारंटी दी गई है कि वो न्यूनतम फर्म को 30,000 रुपये कमा कर देगा, जबकि फर्म ने सी को गारंटी दी है कि उसे न्यूनतम 25,000 रुपये लाभ के मिलेंगे। अब ए के नाम लिखी गई राशि पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले देखोगे क्या ए ने उतना लाभ कमा कर दे दिया जितने की उसने गारंटी दी थी। ये कहते हैं कि ए ने जो टोटल लाभ कमाया है वो कितना कमाया, 20,000 रुपये का कमाया है, जबकि उसने गारंटी दी थी 30,000 रुपये की। तो पहला कार्य आपका है कि आप शेष राशि ए के नाम लिखोगे। तो ए के नाम लिखी गई राशि कितनी होगी, ए के नाम लिखी गई राशि होगी 30,000 गारंटी दी, 20,000 उसने कमा के दे दिया, तो 10,000 पहले उसके नाम लिखेंगे। अब इस 10,000 को फर्म द्वारा कमाए गए लाभ में जोड़ेंगे। तो फर्म ने कुल लाभ कितना कमाया, 80,000, कितना कम कमाया, 10,000 वो उसमें और ऐड कर दिया। तो फर्म का कुल लाभ हो गया 80,000 प्लस में 10,000 बराबर में 90,000। अब 90,000 में पहले किसका हिस्सा अलग करना आपको, सी का। तो लाभों में सी का हिस्सा निकाला, हिस्सा निकाले तो पहले उसका जो लाभ में हिस्सा है वो 1/6 निकाल के देखेंगे। अगर ये ज़्यादा आ जाए तो ज़्यादा देंगे, लेकिन ऐसा करने से ये 15,000 आ गया और उसको गारंटी कितने की मिली, 25 की। तो उसे न्यूनतम कितना देना है, 25,000 देना है। उसे न्यूनतम कितना दोगे, 25,000 दोगे। अब शेष लाभ कितना बचा, 90,000 में से 25,000 घटा दिया, शेष बचा 65,000। अब 65,000 वो किसके लिए बचा, ए और बी के लिए। तो ए सी को तो अपना हिस्सा मिल ही गया, शेष बचा ए और बी, तो ए और बी को लाभों में बांटेंगे। तो ए का लाभों में हिस्सा हो गया 65,000 का, अब ये 3+2 3/5 हो गया। तो 65,000 का 3/5 यानी कि 39,000 और बी का लाभों में हिस्सा हो गया 65,000 का 2/5 यानी 26,000 और सी का लाभों में हिस्सा हो गया 25,000 क्योंकि उसका तो न्यूनतम 25,000 ही है। टोटल लाभ अपना हो गया 90,000। ये हो गया साझेदार द्वारा फर्म को और फर्म द्वारा साझेदार को दी गई गारंटी। अब अपने इसका देखो एक कोई भी एक एग्जांपल करते हैं अपने गारंटी का। चारों गारंटी अपनी पूरी हो गई, अब इसका कोई एग्जांपल करेंगे। देखो मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा है अपने पास कि किसी फर्म में ए और बी लाभों को बराबर बांटते हैं, ए और बी लाभों को बराबर बांटते हैं, उन्होंने सी को 1/4 हिस्से के लिए नया साझेदार बनाया, 1/4 हिस्से के लिए नया साझेदार बनाया। ए और बी लाभों को 1:1 में बांटते हैं, उन्होंने सी को 1/4 हिस्से के लिए फर्म में साझेदार बनाया। अब सी को गारंटी दे दी, सी का न्यूनतम, सी को न्यूनतम लाभ की गारंटी, बराबर 20,000। किसी को न्यूनतम लाभ है वो कितना मिलेगा, 20,000 मिलेगा। सी को न्यूनतम लाभ है वो कितना मिलेगा, 20,000 मिलेगा। तो सी को न्यूनतम लाभ की गारंटी 20,000 है। फर्म द्वारा वर्ष भर में कमाया गया लाभ 72,000 रुपये
कि फर्म ने पूरे साल में 72,000 रुपये का लाभ कमाया है। अब ये कि सी को न्यूनतम लाभ की गारंटी 20,000 दी गई है, अगर ये क्वेश्चन इतना सही होता तो ये नहीं बताया कि 20,000 की गारंटी किसने दी है, तो अपने इसको मान लेते गारंटी है वो फर्म द्वारा दी गई है। लेकिन इसमें है कि फर्म द्वारा वर्ष में कमाया 72,000 का लाभ है, लेकिन सी को न्यूनतम गारंटी 20,000 है। अब आगे क्वेश्चन को ऐसा कह दे, ए तथा बी द्वारा लाभों की कमी को वहन करने का अनुपात, ए तथा बी द्वारा लाभों की कमी को वहन करने का अनुपात 7:3। कहने का मतलब कि इसे 1/4 हिस्से के लिए सी को न्यूनतम लाभ की गारंटी 20,000 रुपये दी गई। सी को न्यूनतम लाभ की गारंटी कितनी दी गई है? 20,000 रुपये। ये कहते हैं कि अगर इसमें कोई कमी रह जाए तो इसको ए और बी द्वारा वहन किया जाएगा, और किस अनुपात में किया जाएगा? 7:3 में। अब दिक्कत ये तो रहती है कि इस गारंटी को हम कौन सी गारंटी माने, विशेष ए और बी है इसमें तो, और दोनों ने मिलकर सी को गारंटी दी है, तो ये फर्म द्वारा गारंटी मानी जाएगी या साझेदारों द्वारा मानी जाएगी? तो इस गारंटी को ये माना जाएगा, अगर ए और बी अपने पुराने अनुपात में ही गारंटी देते हैं, भी सी को अगर सी कमी रहेगी तो हम सी को देंगे लाभ 1:1 में देंगे, तब तो क्या होगा, वो कौन सी गारंटी कहलाएगी? फर्म द्वारा साझेदारों को गारंटी। लेकिन इसमें जो गारंटी का अनुपात है वो इससे अलग है, ए और बी ने जो गारंटी दी है वो 7:3 में दी है। ए और बी ने जो गारंटी दी है वो कैसे दी है? 7:3 में दी है, कि अगर इसकी कोई कमी रह जाती है तो इसे कैसे पूरा करेंगे? 7:3 में पूरा करेंगे, तो ये कमी वहन करने का अनुपात है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, देखो पहले टोटल लाभ में सी का हिस्सा निकाल के देखोगे, टोटल अनुपात लाभ अपना कितना है? 72,000 रुपये, और सी का हिस्सा कितना है? सी का जो इसमें हिस्सा है वो 1/4 यानी 1/4 है। तो पहले 72,000 का 1/4 करके देखेंगे, अगर 1/4 20,000 या 20,000 से ज़्यादा आ जाता है तब तो आपको क्या करना है कि उसे वही देना है, लेकिन अगर उसमें कोई कमी रह जाती है तो उस कमी को ए और बी पूरा करेंगे, और उनके किस अनुपात में पूरा करेंगे? 7:3 में। 7:3 में पूरा करने के बाद जितना आएगा वो इनके लाभों में से घटा देंगे और सी के लाभ में जोड़ देंगे। किसान को करना कैसे देखो, सबसे पहले इस 72,000 को दोनों में बांटेंगे, तीनों में, ए बी और सी। सबसे पहले सी को बांटेंगे, पहले देंगे सी का लाभों में हिस्सा, सी का लाभों में हिस्सा। तो पहले देखो 72,000 का इसका हिस्सा है वो 1/4 है, कितना है? 1/4। तो 72,000 का 1/4 कर देंगे, ऐसा करके कितना आएगा? 18,000 आ गया। लेकिन इसको गारंटी कितने की दी गई है? 20,000 की। अगर वो गारंटी फर्म द्वारा देते तो हम क्या करते, सीधा यहाँ पर उसे 20,000 देकर और शेष जो बचता वो ए और बी में बांट देते। लेकिन गारंटी का जो अनुपात है वो इसमें अलग दे रखा है, 7:3। तो पहले क्या करेंगे, जो शेष लाभ बचा, शेष लाभ बहत्तर हजार माइनस में 18,000, शेष अपना बच गया 54,000। शेष कितना बच गया? 54,000। अब आपको क्या करना है, देखो 54,000 को पहले ए और बी में समान अनुपात में वितरित करना है। पहले क्या करना है कि 54,000 को ए और बी में इक्वल बांटना है, क्योंकि उनका पुराना अनुपात है वो क्या है? इक्वल है। तो ए का हिस्सा देखो, ए का
लाभों में हिस्सा। तो कितना बचा से 54,000, 54,000 को दोनों में आधा आधा कर देंगे तो ये आ गया अपना 27,000। बी का लाभों में हिस्सा तो वही 54,000 इंटू 1/2, ये आ गया 27,000। तो टोटल हो गया अपना 18,000 इसको मिल गया, 27 और 27 से 54,000, तो टोटल कितना हो गया 72,000 हो गया। टोटल अमाउंट कितनी आ गई 72,000। अब देखो सी को जो टोटल गारंटी मिली थी, सी को गारंटी मिली थी 20,000 की, लेकिन उसके हिस्से में लाभ आया 18,000। तो इस 18,000 को वहन कौन करेगा, ए और बी करेंगे, लेकिन किस अनुपात में वहन करेंगे वो, तो वो देखो उनका अनुपात दे रखा है 7:3। तो ए द्वारा वहन की गई राशि कितना कम रहा, 2,000। 2,000 का वहन कैसे करते हैं वो, 7:3 यानी 7/10। तो इसका करेंगे 7/10, ये आएगा 1,400 रुपये। तो ए तो वहन कितना करेगा 1,400, बी द्वारा वहन की गई राशि दो हजार का 3/10, ये आ गया अपना 600 रुपये। तो ए द्वारा वहन की राशि टोटल होगी अपनी 1,400 और बी द्वारा वहन की राशि कितनी होगी 600, टोटल अपने वहन किए हो गए 2,000। अब इस 1,400 को पहले के एक अलावा में जो हिस्सा है 27,000, उसमें से उसने 1,400 वहन कर लिए, 1,400 इसमें से लेस कर देंगे, और 1,400 लेस करोगे तो 27,000 में से ये आएगा 25,600। ए का लाभों में हिस्सा हो गया 25,600 और बी का लाभों में हिस्सा हो गया 26,400 और सी का लाभों में हिस्सा हो गया 18,000 प्लस में 2,000, इसका आ गया टोटल 20,000। तो ये हो गए गारंटी पूरी किसने की, ए और बी ने। दोबारा देखो क्वेश्चन कैसे था, ए और बी लाभों को किस अनुपात में बांटते, 1:1 में। सी को न्यूनतम 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया गया है, सी को न्यूनतम लाभ की गारंटी कितनी मिली 20,000, सी को जो न्यूनतम लाभ की गारंटी वो 20,000 मिली है। फर्म ने टोटल लाभ कमाया 72,000 का, फर्म ने पूरे साल में जो कुल लाभ कमाया वो कितने का कमाया 72,000 का। ए तथा बी द्वारा लाभों की कमी को, ये 20,000 की जो गारंटी दी गई है, यदि इसमें कोई कमी रह जाती है तो इसे जो वहन करेंगे या वो सेक्रीफाइस करेंगे वो किस रेशो में करेंगे, तो वो क्या है 7:3 में करेंगे। कैसे करेंगे 7:3 में, अब 7:3 में वहन करेंगे। अब इसमें देखो अगर वहन करने का अनुपात ये अनुपात होता जो इनका पुराना अनुपात है, तो हम ये मान लेते फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी दी गई है, लेकिन वहन करने का अनुपात अलग है 7:3, तो ये मान लो भी गारंटी है वो साझेदारों ने दी है। तो सबसे पहले तो हमें हिस्सा किसका अलग करना है, सी का ही करना है क्योंकि उसे गारंटी मिली है। तो सी का लाभों में हिस्सा हो गया पहले 72,000 का, उसे 1/4 मिल रहा है, तो 72,000 का 1/4 आ गया 18,000, लेकिन उसे गारंटी 20 की है। तो पहले क्या करना आपको, इसमें 72,000 में वो 20,000 अलग कर दो, सॉरी 72,000 में से 18,000 अलग कर दो, 72,000 में से 18,000 अलग कर दिया तो शेष कितना बचा अपना 54,000। 54,000 को ए और बी में बांट देंगे अपने उनके लाभ हानि अनुपात में, तो कितना आ गया 27,000 इसका आ गया, 27,000 इसका आ गया। अब गारंटी कितनी कमी रहेगी 2,000 रुपये की, अब 2,000 की जो गारंटी कमी रहेगी उसे क्या करना आपको पूरा करना है, और उसे पूरा करने का जो रेशो है वो क्या है 7:3 है।
तो पहले ए वहन करेगा, तो ए वहन करेगा तो कैसे करेगा, 2000 को कैसे वहन करेगा, 7/10 यानी 7/10 में करेगा, तो कितना आ गया 2000 का 7/10 यानी 1400 रुपये आ गया। उसके बाद देखो बी द्वारा वहन की गई राशि, बी वहन करेगा तो 3/10 करेगा इसका, तो 2000 का 3/10 तो कितना आ गया अपना 600 आ गया, तो टोटल हो गया अपना 2000। पहले क्या करोगे, इसने 1400 वहन किया, इसके हिस्से में 27000 आया हुआ है, 27000 में से पहले 1400 लेस कर दो, तो 27000 में जब 1400 लेस करेंगे तो कितना आ गया 25600, और बी का लाभ में हिस्सा आ गया 54000 में 1/2 के, तो इसका 27 आ गया, इसने वहन कितना किया 600, वो 600 लेस कर देंगे, इसका 26400 आ गया, तो ए का तो हो गया 25600 और बी का हो गया 26400। सी का लाभ में हिस्सा कितना देना, 18 पहले आया हुआ है, और वो 2000 जो उन्होंने वहन किया वो और जोड़ दो, तो इसके हिस्से में पूरा आ गया 20000। टोटल कितना आ गया देखो, 25600 52000 ये हो गया, इन तीनों का टोटल किया तो ये अपना 72000 आ गया। तो ये हो गई साझेदार द्वारा साझेदार को गारंटी। इस तरह से आपकी कुल 4 गारंटियां पूरी हो गई, चारों की चारों, फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी, साझेदार द्वारा साझेदार को गारंटी, फिर साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी, और फिर फर्म द्वारा साझेदार को, और साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। तो ये टॉपिक अपना यहीं पे पूरा हो गया। कल से जो टॉपिक करेंगे बंद साझेदारी खाता भाइयों में समायोजन, वो कल से शुरू करेंगे। धन्यवाद।